guys, welcome to my YouTube channel. This is Roshan Bhai, MBBS your boy. इस समय मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं फिजिक्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स इस समय बहुत सारे जो मतलब स्टार्टिंग में तो फिजिक्स सबके लिए बहुत ईजी होते हैं, सब लोग NLM फ्रिक्शन ये सब कर लेते हैं, आराम से दिक्कत नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता रहता है फिजिक्स आपकी लेता रहता है और लेता ही रहता है, चाहे कितना भी कर लो तब भी वो फ़ायदेमंद नहीं हो पा रहा होता है क्योंकि इम्प्रूवमेंट जैसा कुछ दिख नहीं रहा होता है कुछ कुछ लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए तो दिख भी रहा होता है। खैर, मैं आप लोगों को दो टिप्स और एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा कि यदि आप लोग ये नहीं कर रहे हैं तो वो आप लोगों को फर्दर और हेल्प करेगा। क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था फिज़िक्स को तो मेरे कुछ कुछ गलतियाँ थी जो कि मुझे फिज़िक्स में थोड़ा नीचे ले जा रही थी, उसको सुधारा था, उसको मैंने पता किया था, तो फिर वही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इस वक्त। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट स्टार्ट। फर्स्ट टिप ये है मेरा कि फर्स्ट टिप में आपको रिविज़न जब आप कर रहे हैं कोई सभी नोट्स का रिविज़न कर रहे हैं तो उस नोट्स के रिविज़न में आपको ये करना है कि पेंसिल और एक कॉपी साथ साथ में रफ में लिखते जाना है, बस रफ वर्क करना है। रफ वर्क में आपको करते रहना है। मैं ये होता था मेरे साथ पहले कि स्टार्टिंग में तो सब लोग कर ही लेते हैं लेकिन आखिरी में समय बहुत कम होता है तो सब लोग क्या है कि ऐसी कॉपी से ही रीड आउट करना चालू करते थे फिजिक्स को भी, जबकि उसमें काम करना पड़ता है, आपको लिखना पड़ता है। मैं ऐसे ही करता था, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देता था ऐसा रीड करके, लेकिन एक अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आता था। बस वो तीन चार दिन का कॉन्फिडेंस होने वाला होता है, फिर उसके बाद वो जाने वाला था, ये मेरे को अंदर से पता है कि वो सही नहीं है, अभी भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ। लेकिन जब भी मैं उसको रफ वर्क एक स्लेट या तो फिर मैं रफ वर्क में कर लेता था, जब भी मैं उसको लिख के करता था या डायग्राम्स बनाता था कि हाँ ये सवाल सर ने दिया है मेरे को तो उसका डायग्राम बनाया या कुछ भी ऐसा सोचने का करता था, तो वो चीज़ मेरे को अंदर से एक नया इवैल्यूएशन लेके आता था मेरे दिमाग में और वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता था, एक कॉन्फिडेंस आ जाता था उस चैप्टर के एंडिंग में। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा कि रोलिंग चैप्टर था, रोलिंग का एक क्वेश्चंस थे मेरे पे जो कि मेरे से डिफ़िकल्ट मेरे को बनते नहीं थे और डिफ़िकल्ट लगते थे, तो मैं कोशिश यही करता था कि ऐसे ही रीड करके फटाफट जल्दी जल्दी याद कर लो, जल्दी जल्दी इसके फॉर्मूलास रट लो, लेकिन नहीं होता था उससे कुछ, सवाल सॉल्व नहीं होता था। लेकिन मैंने उसको लिख के देखने के चक्कर में मेरे को थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया, थोड़ा सा और याद रहा, वो फॉर्मूलास लिखे, वो फॉर्मूलास को मैंने वापस डाला, तब जाके मेरे को और एक अंदर से खुशी मिली कि हाँ कुछ किया है इस बार रिविजन में फिजिक्स में। सेकेंड टिप मैं ये देना चाहूँगा, मिस्टेक बुक का ये जो टिप है वो अनुज पांचल के थ्रू मेरे को मिला था। अनुज पांचल बहुत अच्छे एक यूट्यूबर हैं तो उन्हीं को ही मैंने फॉलो किया था उस समय, और उन्हीं का फॉलो अप का जो रिजल्ट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो हो सकता है कि यदि आप लोग फॉलो नहीं करते हैं या फिर थोड़ा बहुत ढील देते हैं तो उससे आपको इम्प्रूवमेंट इस वीडियो के थ्रू मिल सकता है। तो मिस्टेक बुक में मैंने चालू किया मिस्टेक बुक, जो भी मेरे एग्ज़ाम्स में गलत होते थे, जो भी मेरे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस फिजिक्स के गलत होते थे, मैं उसको एक शॉर्ट में, मैं कोशिश ये करता था कि जो मेन गलत वाला पॉइंट है उसको लिख दूं और उसको हाईलाइट कर दूं कि मैंने ये गलत किया है भाई इसमें। मैं क्वेश्चन नहीं लिखता था, मैं सिर्फ आंसर लिखता था उसको कि उसमें क्या है, क्वेश्चन बस मेरे को रिकॉल हो जाता था अपने आप ही, तो मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। यदि आपको कुछ लिखने का हिंट जैसा देना है तो आप दे सकते हैं क्वेश्चन का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये कोशिश करता था कि मेरे को क्वेश्चन तो याद ही है, मेरे को बस स्टेप्स में कहाँ कहाँ मैंने गड़बड़ की थी, किस सोच में मैंने गड़बड़ की थी, उस मेमोरी को मेरे को वापस लेके आना था, वही चीज़ वो मिस्टेक बुक कर देता था मेरे लिए। तो मिस्टेक बुक मैंने बनाना चालू किया, छोटा शॉर्ट में लिखता था, बिल्कुल ऐसा नहीं कि पूरा ही आंसर सॉल्यूशन इतना बड़ा लिख दिया, नहीं, यदि बहुत बड़ा होता था तो फिर मैं यही कोशिश करता था कि उसका जो मेन पार्ट में मैंने जो गलती की है वही लिखूं। बाकी तो यही है कि मैंने मिस्टेक बुक में सिर्फ मेन पार्ट्स लिखे हैं। और एक रिचुअल आपको फॉलो करना पड़ता है उस मिस्टेक बुक को बनाने के बाद, कि बहुत लोग ऐसे होते हैं मिस्टेक बुक बना दिया, एक हफ्ते में एक बार देख लिया या कुछ हो गया तो उससे कुछ नहीं होने वाला, आपको हर दिन देखना पड़ेगा। भले ही आपको पता है कि आपने पहले कल ही देखा था लेकिन आपको याद भी है कि क्या है उसमें मिस्टेक, तब भी आपको देखना है वो। जब आप देखोगे, वापस रीड करोगे, हाँ ऐसे गो थ्रू करोगे कि आपने ये मिस्टेक किया था, वापस रिकॉल करोगे, वो आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस लाएगा लास्ट में, मैं बता रहा हूँ। तो आपको वो हर दिन कोशिश यही करना है, एक दिन का गैप हो गया चल जाएगा, दो दिन का गैप हो गया चल जाएगा, लेकिन दो दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि हर दिन उस मिस्टेक बुक को शुरुआत से आखिरी तक,
जैसे जैसे आप ऐड करते जा रहे हैं उसको शुरुआत से आखिरी तक हर दिन आप उसको रीड करते रहें, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। यही चीज़ है जो कि एग्ज़ाम में आपका खेल दिखा सकता है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, ऑल द बेस्ट।